बिहार में भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने का इल्जाम लगातार पदाधिकारियों पर लगता ही रहता है, लेकिन इस वक्त जो इल्जाम लगाया है वो कोई आम आदमी नहीं लगाया है, आम आदमी ने चुनकर जिसे मुखिया बनाया है उन्होंने इल्जाम लगाया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं शाहिद रजा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के बोखड़ा प्रखंड के खड़का गांव में हूं और खड़का गांव के अंदर खड़का पंचायत के मुखिया जितेंद्र झा ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि 2000 रुपया दीजिए और 12000 रुपया शौचालय का लेकर जाइए। जी हाँ, बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है और उन्होंने जो बोखड़ा प्रखंड के तमाम मुखिया है उन लोगों से गुजारिश किया है कि आप भी इस मुहिम में शामिल होइए। और उन्होंने धमकी भरे अल्फाज में कहा है कि पदाधिकारी अगर हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं और बोखड़ा ब्लॉक के अंदर से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो रहा है तो हम अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। जी हाँ, ख़ास तौर से बोखड़ा के जो लोग हैं उन लोगों के लिए तो सुनहरा ऑफर है कि आप कागजात लेकर जाइए, न जाइए, 2000 रुपया रिश्वत दीजिए और शौचालय का 12000 रुपया लेकर करके जाइए। तो लगातार उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने कहा है कि ये हमारा जो धरना है वो पहले 2 दिन का धरना होगा और पदाधिकारी अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे, जिसको लेकर करके उन्होंने अपने पंचायत के तमाम वार्ड सदस्य और सफाई कर्मी पर्यवेक्षक के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने धमकी भरे अल्फाज में कहा है कि अगर पदाधिकारी हमारी नहीं सुनेंगे तो हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे और कल से वो धरना पर बैठने की तैयारी भी कर दिए हुए। और ख़ास तौर से उन्होंने बोखड़ा प्रखंड के तमाम जो मुखिया हैं उनको भी गुजारिश किया है कि आप लोग भी इस मुहिम में शामिल होइए ताकि ये लड़ाई लड़ी जा सके। और जो ख़ास तौर से बोखड़ा ब्लॉक के अंदर जो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसे ख़त्म कर सके। तो क्या कुछ कहा है जितेंद्र झा ने वो सुन लीजिए आप। तो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्यों बुलाई गई है? आज से 2-3 महीना पहले आप लोग को जानकारी में है कि और आप लोग भी आए थे, हम बोखड़ा ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर के हम अनशन करने वाले थे। उस समय हमारे वीडियो साहब और हमारे प्रखंड के जितने भी मुखिया जी हैं सब लोग बोले कि बैठ करके एक बार बात कर लिया जाए। उस समय हमको आश्वासन मिला कि जो भी समस्या है उसका हल बहुत जल्द में कर लिया जाएगा। हम 2 महीना का समय भी दिए थे लेकिन इस 2 महीना में समस्या का हल हुआ नहीं बल्कि बढ़ा है। तो आज हम मजबूर होकर के धरना करने पर उतारू हुए हैं। क्या आपने मन बना लिया कि फिर से वो जो आपने जो टाल दिया था वो धरना फिर से शुरू होगा क्या? निश्चित कल हम 10-10:30 बजे तक बोखड़ा ब्लॉक परिसर में बैठ जाएंगे और अपने पंचायत के हमारा जो कुछ भी मांग है हमारे से मांगों को लेकर के होंगे वो डिटेल बता दें। सबसे पहला मांग है, देखिए हमारा पंचायत लोहिया स्वच्छ अभियान फेज 2 में सबसे अच्छा कार्य कर रहा था। सबसे पहले हम अपने पंचायत में WPU का पूरा निर्माण करवाए, सभी कर्मचारी का सफाई कर्मी का सबका बहाली कर लिए, बहुत अच्छा तरीका से पंचायत में साफ सफाई का काम चल रहा था। लेकिन आज साल हो गया मेरे WPU का उद्घाटन नहीं हुआ। एक दूसरा कि ब्लॉक के माध्यम से ही हम अपने पंचायत में जो भी हमारे यहाँ खरीदारी हुआ ई रिक्शा का, ठेला का, डस्टबिन का, सब ब्लॉक के माध्यम से ही जो उसके BC है और BDO साहब है उनके द्वारा हम खरीदारी किए। सारा सामान खराब हो गया, उसमें 1 साल का गारंटी वारंटी का मामला था कि अगर कुछ ख़राब होगा तो कंपनी वाले बनाएंगे। कई बार कहने के बाद भी वो लोग नहीं आए बनाने के लिए और सारा सामान आज खराब पड़ा हुआ है। दूसरा है कि कोई भी सफाई कर्मी का आज 8-9 महीना से सैलरी नहीं मिल रहा है। हम चाहे थे कि हमारे जो पदाधिकारी हैं और ख़ास करके लोहिया स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं BC DC जिला के, वो लोग आवे पंचायत में WPU का उद्घाटन करें और उद्घाटन करके हमारे साथ कम से कम 10 से 20 घर में कलेक्शन के लिए चले, जिससे कि समाज में जागरूकता आएगा। हमारा पंचायत बहुत बुद्धिजीवी पंचायत है, अगर अच्छा काम दीजिएगा
तो विश्वास रखें कि हमारे पंचायत से कलेक्शन में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को सुख सुविधा ही नहीं मिलेगा तो वो फिर क्यों देगा। यहाँ तो सारा कुछ बंद हो गया है और ये सब जो समस्या है उसका मात्र एक कारण है शौचालय। इस बीच में जब से हम मुखिया हुए तो शौचालय योजना बंद था, लेकिन इस बीच में शौचालय योजना आया, उसमें खुलेआम बीसी के द्वारा 2,000 रुपया प्रति शौचालय का मांग किया। हम इसका विरोध किए, विरोध करने के बाद हमारे पंचायत को वंचित कर दिया गया। बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, जब हम धरना पर उतारू हुए तो कुछ लोगों को शौचालय का पेमेंट हुआ। उसके बाद पुनः वो फिर हमको कहते हैं कि जिसका हम पेमेंट कर दिए उसका हमको प्रति घर 2,000 रुपया और आगे जो करेंगे उसका हमको पैसा चाहिए, अगर नहीं दीजिएगा तो हम नहीं करेंगे। और उस कारण से हमारा बीसी से संबंध खराब हुआ, मेरा WPU का उद्घाटन नहीं हुआ, मेरे स्टाफ लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है, मेरा सारा मैंने जो भी रिक्शा ठेला वगैरह है सब कुछ खराब हो गया हुआ है। और अंत में हमारे जितने भी सफाई कर्मी है काम छोड़ करके मजबूर होकर के कोई सुविधा उनके पास नहीं है तो अपना घर पकड़ लिए। तो समझिए कि स्वच्छ लोहिया अभियान हमारे पंचायत से मैंने जितना ही अच्छा काम हो रहा था आज उसको इन लोगों का गलत नीति के कारण गलत मंशा के कारण हमारे पंचायत को इसे वंचित किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का क्या नल जल का देखिए, हम तो देखिए हम मुखिया अपने आप को कभी नहीं समझे, हम समझते हैं कि हम जनता का सेवक है, जनता हमको चुन करके इसलिए मुखिया बनाई है कि मैं उनका जो भी समस्या है उसका समाधान करूं। आज हमारे पंचायत में मात्र 6 ऐसा वार्ड है जहां नल जल का टंकी लगा हुआ है, लेकिन उसमें 1-2 वार्ड ऐसा है जहां सही से चल रहा है, बाद में पूरा सब समाप्त है। सरकार इस बीच में सब कुछ PHD के हवाले कर दिया। PHD वाले को हम कई बार आवेदन किए, JEE से लेकर के एग्जीक्यूटिव तक सीतामढ़ी में। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे बोखरा ब्लॉक के सभी मुखिया जी, BDO साहब और JEE PHD के साथ सबके साथ बैठक हुआ, जो हमारा समस्या था पंचायत का वो हम रखे, वो लिख करके गए। आज कुछ कुछ पंचायत में काम हुआ है, लेकिन मेरे पंचायत को पूर्णतः वंचित कर दिया गया। बहुत ऐसा घर है, ऐसा वार्ड है जहां लोग पानी के लिए आज भी तरस रहे हैं, सारा कल बंद हो गया हुआ, सूख गया हुआ है। और थोड़ा सा इन लोगों के बदमाशी के कारण अगर ये लोग चाहें तो नल जल से कनेक्शन करवा करके हर परिवार तक मैंने पानी को पहुंचाया जा सकता है, लेकिन अब क्या मंशा है, लिख करके यहाँ से ले जाते हैं, बार बार आश्वासन पर आश्वासन मिलता है। हम इसकी शिकायत एक बार नहीं 2-3 बार DM साहब को WhatsApp के माध्यम से, मेल के माध्यम से भेज चुके हैं। अब आगे हमको बढ़ना है, अब हम प्लान में है कि अगर इससे नहीं सुधार हुआ तो हम CM साहब के यहाँ भी भेजेंगे, क्योंकि ये नल जल योजना ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो हम वहाँ निश्चित रूप से इसको भेजेंगे, क्योंकि हमारा पंचायत इस नल जल से पूरी तरह से समाप्त है, नल जल का व्यवस्था, और लोग पानी के लिए मोहताज है। तीसरा मेरा मामला है शौचालय का पेमेंट का भी। पंचायत में लगभग 10-12 परिवार ऐसे हैं जिनके पास रास्ता नहीं है चलने के लिए, और वो इतना गरीब और कमज़ोर मजबूर परिवार है कि वो कहीं बोल भी नहीं सकता है, किसी से लड़ भी नहीं सकता है। हम उसका आवेदन लेकर के SDO साहब को पुपरी में दिए हैं, SDO साहब हमको आश्वासन दिए कि मैं जल्दी ही उनका रास्ता निकलवाऊंगा। आज अगर उस परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, वहाँ 1-2 अपाहिज भी हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको हम अपने मदद से साइकिल भी दिए हैं, ट्राईसाइकिल वगैरह, लेकिन वो लोग घर से नहीं निकल सकता है, पानी से लेकर के दाना के लिए वो लोग कभी कभी मोहताज हो जाता है, चारों साइड से उसका रास्ता पैक हो गया। तो उन लोगों के रास्ता के लिए हम सरकार से, SDO साहब से, BDO साहब से, CO साहब से, CO मैडम गई भी थी एक दिन और जाकर के सब व्यवस्था देख करके आई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यही सब कुछ मामला है जिसको लेकर के कल हम प्रखंड कार्यालय में बैठेंगे। हमारे साथ हमारे पंचायत के जितने हमारे वार्ड सदस्य हैं जो यहाँ प्रेजेंट हैं पंचायत में, वो रहेंगे, सभी सफाई कर्मी रहेंगे, ये हमारे पर्यवेक्षक हैं जो हमारे साथ बैठी हुई है। भ्रष्टाचार का बराबर आरोप लगाते हैं, क्या किस तरीके का भ्रष्टाचार होता है क्या? अभी शौचालय का बताया आपको, इससे पहले आपको मेरे पंचायत में 5 मुख्यमंत्री आवास योजना आया था,
मुख्यमंत्री आवास योजना में बगैर। हम तो आज एक बात कहना चाहते हैं आपको कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचार तो ये है कि हम भी ये पंचायती राज के तहत एक पंचायत के मुखिया हैं, लेकिन आज हमको अब रोना आ जाता है। आज ये स्थिति हो गया है कि हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग बोखरा ब्लॉक में जाते हैं, साधारण कर्मचारी डांट के भगा देता है। हम 11 मुखिया हैं, हम अपने मुखिया भाइयों से भी कहते हैं, उन लोग हमको बोले हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन खुल के नहीं आए हैं। अगर सब मुखिया आ जाएं तो बोखरा ब्लॉक में कोई कर्मचारी हो या कोई पदाधिकारी, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, वो लोग उन लोगों से हमारा कोई व्यक्तिगत कहीं कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर जवाबदेही है पूरे पंचायत का। जनता सुख दुख लेकर के मेरे पास आती है और उसका निदान करना हमारा काम है। और हम कहाँ जाएंगे तो अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे BDO साहब के पास जाएंगे। जब ये लोग नहीं सुनते हैं तो हम जिला गए, जिला से भी हमको किसी प्रकार का कोई सहयोग सहारा नहीं मिला। तब हम हार करके अब धरना देने का निर्णय किया है। 2 दिन के अंदर अगर नहीं हुआ तो अनशन पर बैठेंगे, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मनरेगा में मनमानी है। आपको एक भी योजना ग्राम सभा के माध्यम से नहीं किया जाता है। अभी जो मुख्यमंत्री आवास योजना बांटा गया उसमें मुखिया से नहीं पूछा गया है, कोई ग्राम सभा नहीं किया गया है, कोई ग्राम सभा रजिस्टर को नहीं पूछा गया है। आज किसी वार्ड सदस्य, आज सारे वार्ड सदस्य हमारे साथ हैं, किसी वार्ड सदस्य को कोई कर्मचारी नहीं पूछता है, आते हैं अपना मनमानी करके चल जाते हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है। जब हम लोग का कोई हक ही अधिकार नहीं है तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इस पंचायती राज व्यवस्था को ही समाप्त कर देना चाहिए। आज हमारे घर पे लोग आकर के गाली देते हैं, ब्लॉक में पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, जिला में पदाधिकारी नहीं सुनते, आखिर हम लोग करें तो क्या करें। सर, बहुत बड़ा आपने सवाल खड़ा कर दिया है कि आप एज ए मुखिया जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो क्षेत्र की जब जनता जाती होगी तो वो तो उसे तो कीड़ा मकोड़ा समझ लेंगे ये लोग, कोई पूछने वाला नहीं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा ब्लॉक प्रमुख विहीन है, हमारे ब्लॉक का जो प्रमुख है उनको इन सब मामला से कुछ लेना देना नहीं है। लोग ब्लॉक में घूमते रहते हैं और इतना आज दुर्भाग्य हो गया है कि जनता जब ब्लॉक में पहुंचता है, अपने मुखिया जी के पास पहुंचता है कि हमारा ये काम है, तो मुखिया जी जनता से छुपते हैं कि हम इसका काम कैसे करा देंगे, क्योंकि उनका कोई ब्लॉक में सुनने वाला नहीं है। और ब्लॉक में तो जनता भटक करके बेचारा घूम फिर करके बार बार, ऐसा लोग है जो 500 रुपया रोज़ कमाने वाला व्यक्ति है तो कई बार जाएगा ब्लॉक, अगर वो ब्लॉक 4 दिन दौड़ेगा तो उसका बाल बच्चा भूखे मर जाएगा, लेकिन किसी पदाधिकारी के कान में जू नहीं रेंग रहा है और न किसी प्रतिनिधि को। दुर्भाग्य यही है, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया था कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मुझे आश्वासन दिया है जिसकी वजह से मैं अपना ये धरना प्रदर्शन को रोक रहा हूँ, अब क्या बोल रहे हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी? वो चुप हैं इस बार, वो पूर्णतः चुप हैं और इसकी जानकारी उनको लगभग 5-7 दिन पहले से है, लेकिन वो कुछ भी पूछने हमसे कोई टच नहीं किए हैं। और इस बार का धरना रुकेगा भी नहीं, हर हाल में हर कीमत पर ये धरना कल से स्टार्ट होगा। और 2 दिन के अंदर अगर नहीं हमारा समस्या का निदान किया गया तो निश्चित रूप से हम 1 तारीख को आमरण अनशन पर बैठेंगे और उसके बाद जो होगा वो ऊपर वाला जाने। 1.5 साल से हमारे पंचायत में विकास का एक भी काम नहीं हुआ है और उसका मेन कारण है कि हम जो पहले काम किए थे लगभग 30 लाख रुपया पेमेंट मेरा 1.5-2 साल से फंसा हुआ है, जिसके लिए हर पदाधिकारी के पास हम गए लेकिन मेरा पेमेंट नहीं हो पा रहा है। और उस डर से हम अपने पंचायत का विकास नहीं कर रहे हैं। कितना पैसा हमारे पंचायत में है नहीं है, अभी जो स्टाफ लोग भी नई आई है उन लोगों को भी कुछ जानकारी नहीं है, एक भी काम करने के लायक नहीं है। कहने के लिए हमारे पंचायत भवन पर RTPS काउंटर है लेकिन उसके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है, कोई भी ऑनलाइन का काम वो नहीं कर सकती है। तो ये सबसे बड़ा समस्या है। हम इस समस्या के लिए भी अपने आप लोगों के माध्यम से सभी पदाधिकारी से मांग करते हैं कि उन्हें अधिकार दिया जाए और जितना भी RTPS संबंधी काम है हमारे पंचायत भवन पर हो, एक, और दूसरा कि हमारा पेमेंट अविलंब कराया जाए पंचायत की, ताकि हम आगे भी पंचायत में कोई काम कर सकें। मैं पूजा कुमारी यहाँ की पर्यवेक्षक हूँ और हम सब सफाई कर्मी
इतना अच्छा से काम करते हैं जो पूरे बोकरा ब्लॉक में कोई नहीं किया होगा। बट हम लोग को 8 महीना से कोई सैलरी नहीं दिया गया है और मेरे सफाई कर्मी के द्वारा इतना अच्छा काम किया गया है जो जिला तक फेमस हो चुका है। यहाँ पे सारे कर्मियों से काम लिया जाता है और जब ब्लॉक में बोलने जाते हैं कि हम लोग को सैलरी चाहिए तो वहाँ बोला जाता है मुखिया जी से बात करो, और जब मुखिया जी को बोलते हैं तो मुखिया जी को कोई आश्वासन ही दिया नहीं जाता उधर से। वहाँ से कोई गाइडलाइन इनको मिलेगा तभी तो ये सैलरी करेंगे। और साइन जहाँ तक है तो मेरे मुखिया जी हम लोग के फेवर में हैं और बोलते हैं कि जहाँ साइन करना हो मेरा साइन चलता है, सैलरी के लिए सिर्फ मेरा साइन ही चलता है। तो ये हम लोग के फेवर में है और बोलते हैं जिस वक्त आप बोलिएगा उसी समय हम साइन कर देंगे। पिछले 8 महीने से आप लोग काम करते हुए आ रही है ना शायद? हाँ, 8 महीने से किए हैं, कोई सैलरी नहीं मिला है। और हम लोग का कोई भी चीज़ ख़राब होता है तो मुखिया जी द्वारा अपने इनके जेब से ही पैसा लगता है, बाहर से हम लोग का वो जो 50,000 है उसमें से भी इनको साइन करके अथॉरिटी नहीं है कि ये निकाल सके। सिर्फ दिखाया जाता है कि ये 50,000 निकाल सकते हैं, पर इनको कोई जानकारी बाहर से नहीं दिया जाता है कि किस तरह उस पर साइन करके निकाला जाता है। तो अस्था का काम कब हो गया पूरी तरीके से? और मेरे कर्मी काम नहीं करते हैं और अभी सैलरी नहीं मिलता है तो कोई फ्री का काम थोड़ी कर देगा। सबसे गंदा सबसे ख़राब काम होता है कचरा उठाना, जो नॉर्मल इंसान करता नहीं है, कोई गरीब ही करेगा। और उसको अगर सैलरी नहीं मिलेगा तो कोई हाल में काम नहीं करेगा, और उसके लिए मुखिया जी को ही सारा कर्मी बोलता है। तो इससे मुखिया जी दुखी हैं और धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। ऐसे में आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग की मांग है कि हम लोग को सैलरी मिले। तो कल जो धरना पे बैठ रहे हैं मुखिया जी साथ में, आप लोग भी बैठेंगे क्या? हाँ, व्यवस्था अच्छा होना चाहिए और सारे कर्मी भी बोल रहे हैं कि हम लोग धरना पे बैठेंगे। पंचायत के मुखिया जी अभी जो बोले हैं वो बिल्कुल सही है और वो मांगे उनको पूरा होना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक स्तर से लेके जहाँ भी है सारे स्टाफ मनमानी करते हैं अपने ढंग से कि भैया पैसा दो तो काम होगा, पैसा नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। इसके लिए हम लोग कल से अनशन पर बैठेंगे, मुखिया जी के साथ हम लोग हैं और रहेंगे। पदाधिकारी को पेमेंट के अलावा, उनकी सैलरी के अलावा रिश्वत भी चाहिए? बिल्कुल। और जो गंदा कचरा उठाते हैं उनका 8 महीने का पेमेंट नहीं? उनका कोई सूद बूद लेने वाला नहीं है। आज हमारे पंचायत में सिर्फ 78 शौचालय पास हुआ है, जब भी कितना करने के बाद 78 शौचालय हुआ, उस 78 शौचालय का भी पैसा उन्हें को चाहिए 2,000 रुपये पर। अगर और पास करवाना है तो 2,000 रुपये एडवांस में दीजिए हमको। ये 2,000 रुपये कौन मांगता है? हमारे BC साहब जो बोकरा ब्लॉक के हैं, दुबे जी, विकास दुबे जी हैं, वो खुल के बोलते हैं, ना कभी ऑफिस में बैठते हैं। आज तक हम लोग कई दफ़ा गए हैं बोकरा ब्लॉक ऑफिस में। जहाँ तक मुखिया जी का कहना है कि जो हमारी पाँच सूत्री मांग है, मांगे तो वैसे बहुत है, लेकिन ये 5 सूत्री मांगे जो है तो बहुत ज़रूरी है। जैसे अपने सफाई कर्मी जो है पंचायत में, उनका पेमेंट रुका हुआ है और वो लगातार काम करते थे गांव में, पंचायत में अच्छा स्वच्छता अभियान चल रहा था, गांव काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा था, लेकिन इन लोगों के पेमेंट रुका हुआ है। हमारी पर्यवेक्षिका यहीं बैठी हुई हैं। तो कहावत है कि शासन प्रशासन अगर दुरुस्त हो तो काम भी चुस्ती से होता है, और शासन प्रशासन अगर सुस्त हो तो फिर काम भी तो सुस्ती से होता है। तो यहाँ पे शासन प्रशासन हमें जो लग रहा है कि हमारे प्रखंड के जो आला अधिकारी हैं वो काफ़ी इसके प्रति काफ़ी उदासीन हैं और उनकी सक्रियता बिल्कुल ही नहीं है। तो मेरा कहना है कि वो लोग सक्रिय रहें और काम को बिल्कुल दुरुस्ती से करवाएँ। और मुखिया जी की जो मांग है, ये 5 सूत्री मांग कि जो स्वच्छता भवन है उसका उद्घाटन करवाएं सही से, और जो इन लोगों का पेमेंट बाकी है वो हो, नल जल का काम जो है वो भी अधूरा है। ऐसा तो नहीं है कि नल जल का जो काम है वो पूरे पंचायत में कुछ ही वार्डों के लिए आता है, वो अगर आता है तो पूरे पंचायत के लिए आता है। तो यहाँ पे कुछ वार्ड में नल जल योजना का काम हुआ है और कुछ वार्ड में हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और अभी मई जून का महीना था, हम देखे हैं कि जो चापाकल है वो सूखता है और सूखने के बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसके प्रति हम देखे हैं कि प्रशासन सिर्फ बोला बोली किए हैं लेकिन काम में कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है, लोगों को भयंकर परेशानी हुआ है। हमको लग रहा है कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूरी से लोगों को पानी लाना पड़ा है, लेकिन उस पर भी प्रशासन कुछ काम नहीं किए। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।